हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आप सबका एक और हमारे ब्रांड न्यू व्लॉग में। मैं हूँ रेहान, जिसको नहीं पता मेरा नाम है रेहान रिजवान और आप देख रहे हैं ब्रदरहुड कार्स। ठीक है, तो अभी का सीन ये है कि आप लोगों को जिसको जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि हमारा लेफ्ट वाला फेंडर सिविक एक्स का वो जो है लग गया था। उसके ऊपर मैंने फिलिंग करवा तो ली थी, डेंट निकलवा तो लिया था, वो भी व्लॉग पिछला अगर आपने देखा हो नीचे जाके, तो वो वैसे का वैसे ही है अभी तक। तो अभी तक हमने उसको पेंट नहीं करवाया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर तक इसको पेंटर के पास लेके चलते हैं सभी को, और जो है अपना उससे पूछते हैं कि भाई हाँ जी भाई कितनी देर लगेगी, कितना खर्चा आएगा। और मैंने बैक बम्पर भी जो है अपना पेंट करवाना है, वो जो हमने नया FC450 वाला जो बम्पर है उसको, जैसे आपको पता है पीछे से जो मतलब होता है ब्लैक ब्लैक जो होता है वो मैट में होता है या ग्लोसी ब्लैक नहीं होता, जो मेरा पिछला 450 लगा हुआ था, FC450 लगा हुआ था वो जो था उसके जो ब्लैक ब्लैक थे सारी किट थी वो ग्लॉस में थी, ग्लॉस ब्लैक में थी। वैसे आता मैट में ही है, वो ग्लॉस में थी, वो मुझे ज़्यादा पसंद है मैट से। ठीक है, और ग्लॉस ज़्यादा सही लगता है, वीडियोस वगैरह में भी सब में शाइन मारता है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको जो है जाके हम जो है ग्लॉस में करवा लेंगे, और अपना जो है फेंडर जो है वो भी करवाना है, बम्पर बल्कि मेरा पूरा पेंट होना है वाइट, क्योंकि उसकी जो किट का वो था हिस्सा वो गया था टूट। जब वो गया था टूट तो मैंने एल्फी से जोड़ने की कोशिश की, मैंने सही से जोड़ा नहीं, वो एल्फी के सारे ड्रॉप्स जो हैं बम्पर पे आ गए और एल्फी के निशान नहीं जाते, पूरा बम्पर रीपेंट होता है। वो एक मैंने जो है बेवकूफ़ी वाला काम किया था। ठीक है, अगर वो ना किया होता डायरेक्ट मैं अपना जो है पेंटर डेंटर पेंटर के पास ले जाता, वो बच जाना था, लेकिन चलो कोई कोई बात नहीं, अब हो गया जो होना था, अब वापस हम पास में अपने जा नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ी देर तक अभी लेके जाते हैं घंटे तक, ठीक है, क्योंकि बाहर अभी मैं हो गया हूँ तो VIP मूवमेंट होने वाला था, इस वजह से भी हम थोड़ा सा घर रहते हैं। ठीक है, वो लोग चले जाएं, मैं मिराज फंस जाता है, वो लोग जाते हैं फिर मैं जो है यहाँ से निकलते हैं, तब तक मैं आपको वो भी दिखा दूँ, फेंडर भी दिखा देता हूँ जहाँ से लगा हुआ था। तो हाँ जी, जो मैं बात कर रहा था इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, ये जो है ये मैट में है, ठीक है, ये मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की थी ना, यहाँ से ना उतर गया था, पीछे से इसका पेज जो है टूट गया था, तो इसको मैंने जोड़ने की कोशिश की थी, जुड़ा नहीं था और बर्बाद हो गया था। ठीक है, और ये स्टॉपर में हमें, ये स्टॉपर कह रहे हो, ये जो है ना रबड़, रबड़ मैं हमेशा लगाना भूल जाता हूँ, बाकी तीनों पर लगा हुआ इधर नहीं लगा हुआ, इसका भी कुछ हल निकालते हैं। और ये आ गया हमारा फेंडर जो लग गया था, ठीक है, ये हमसे नहीं लगा था, भाई से लगा था, ठीक है, ये डेंट तो निकल आया। और ठीक है, इस चैनल को आप जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, ये हमने हालांकि व्लॉग्स आगे लिखा नहीं हुआ अपने चैनल के, फिर भी भाई ने लिखवा दिया था, अभी हम जो है एडिट कर लेंगे अपने चैनल का नाम भी थोड़ा सा, बस आगे व्लॉग्स ही लगाना है, फिर ये वाला हो जाएगा नाम अपना जो दे सारा लिखा हुआ है, ब्रदरहुड कार्स व्लॉग्स, ब्रदरहुड कार व्लॉग्स करेंगे इसका नाम, कार्स ऐसे हटा देंगे। ठीक है, और ये किट जो आपको मैं बात कर रहा था ना, ये वाली किट के बारे में, और ये जो दो साइड्स पे हैं, ठीक है, ये जो है ना इसको हमने कराने ग्लॉस में, इसको कराने ग्लॉस में और इसको कराने ग्लॉस में, क्योंकि मैट में जो है इतनी अच्छी फिनिश नहीं है, मैं सही बताऊँ तो, अगर आप FC450 यूज़ करते हो तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ चुप करके जाओ, इसको करा लो ग्लॉस में, ये उतर जाते हैं, ठीक है, खुल छुल के उतर उतर जाते हैं, ठीक है, इनको उतरवाओ, अगर आपसे नहीं हो रहा स्प्रे पेंट वाला जो होता है ग्लॉस वो मार लो, या तो डेंटर के पास जाके कहो भाई से, पेंटर के पास सॉरी जाके कहो कि इसे भाई ग्लॉस में कर दे, वो आपको ये भी ग्लॉस में कर देगा। मेरे पास ये एक्स्ट्रा किट भी पड़ी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, ये नीचे वाली खाली पड़ी, ये दो साइड्स वाले नहीं पड़े, खाली वो नीचे वाला हिस्सा पड़ा हुआ मेरे पास ब्लैक, अगर किसी को चाहिए ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम rehan_sheikh_1, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर भी इधर करके आ रहा होगा कहीं ना कहीं। इसको भी हम थोड़ी देर में लेके चलेंगे डेंटर पेंटर के पास, ठीक है, और इसको जाके जो है इसको हम छोटा मोटा काम, छोटा मोटा नहीं है अच्छा खासा काम है, रात को हम गाड़ी इसको देंगे और कल शाम तक आई होप कि गाड़ी हमारी हो जाएगी। अभी इसका खर्चा शर्चा पूछ के आते हैं, ठीक है, अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, हम जो बाहर गाड़ी खड़ी है उसी पर चलते हैं, लेट्स गो मैन। अच्छा तो बॉयज़, अभी हम जो है निकल रहे हैं पेंटर के पास, मैं थोड़ी देर के लिए जो है अपना वहाँ पे लेट गया था जाके घर, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था कॉलेज से आके, तो
अभी मैं थोड़ा सा जो बेटर फील कर रहा हूँ तो हम निकलते हैं, पेंटर के पास जाते हैं, उससे भाई बताते हैं उसको, क्योंकि पता ही है क्या क्या होना है ऑलरेडी। ठीक है तो अब हम चलते हैं उसके पास और देखते हैं क्या सीन है। सो यस बॉयज, हम आ चुके हैं इधर आर्य बाजार, जो वर्कशॉप से सारी उधर। ठीक है अभी ये गाड़ी हम कर देते हैं ऑफ। ठीक है अब चलते हैं उसके पास और उससे जाके पूछते हैं, उनसे जाके पूछते हैं भाई कि क्या सीन है, कितने पैसे क्या, और बाकी पैसों पूसों की बात तो बाकी सही वाली तो भाई करेगा। अभी हम इनसे पूछते हैं कि हमसे क्या मांगते हैं और भाई से क्या लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी ये भाई हम आ चुके हैं शबीरा भाई के पास। तो यार हमने करना है लेफ्ट वाला फेंडर पेंट, ठीक है बैक बम्पर। फेंडर तो आपने डेंट निकाला था, भाई ने निकाला डेंटर भाई ने, उसका कितने पैसे हो जाएंगे? और जो अपना बैक बम्पर है पक्की गाल बम्पर, बाकी तो सब ही करेगा ना पैसे ते ओ, फेंडर फेंडर A1 चाहिए, A1 और कलर मैच होना चाहिए, मैच हो क्यों आए नहीं हसन साहब? हसन साहब जरा गए में काम, कितनी देर का काम है? है क्या मतलब एक दिन पूरा, पहला दिन पूरा शाम को गाड़ी दे जाऊं, पहले चिट्टा रंग गाड़ी दे जाऊं रात को, रंग मेरी गाल सुन, पहले चिट्टा रंग हो जाएगा हो जाएगा, तू गाड़ी ले जानी फिर अगले दिन आना फिर काला होएगा, क्यों टेप खबार लगनी है ना, चिट्टा गिला होएगा तो काले दे टेप खबार नहीं ना लग सकती। चलो ठीक हो गया, यानी कि एक दिन चिट्टा रंग जो होगा गाड़ी पे बम्पर जब चिट्टा होगा हाँ। और फेंडर जब होगा अगले दिन काला, अगले दिन काला, वो तो आप पीस उतार के अपने बाहर रख लेना, या तो बम्पर A1 होने चाहिए एक और बम्पर अगला नहीं पिछले पिछला पिछला ओ मरगाड़ बम्पर A1 होना चाहिए हाँ। और मरगाड़ मरगाड़ वो जो फेंडर है। ठीक है गाड़ी कब आए? गाड़ी कल क्या रात को ना दे जाऊँ, सुबह कर देना, रात नू की सुबह लेके आए जैसा कि बॉयज आप लोगों ने ना अभी जो मेरी बात हुई अभी पेंटर भाई के साथ शबीरा भाई के साथ, वो हुई पैसों की और जो 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 हमने पेंट करवाना है वो तो आप लोगों ने सुनी लिया कितने पैसे मांग रहे हैं, बाकी भाई खुद ही कर लेगा अगर कम करने होंगे, नहीं तो जितने मांगे उतने दे देंगे। ठीक है तो अभी चलते हैं घर, देखते हैं हम क्या करना है, क्योंकि वो लोग तो वरना काफ़ी छोटा हो जाएगा अगर मैं इधर एंड करूँगा, इसको खींचते हैं और लंबा करते हैं। अभी तो पूरा दिन पड़ी है, अभी पूरी रात पड़ी है, हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, देखते हैं और क्या क्या करना है। भाइयों से कॉन्टेक्ट करते हैं कि वो किधर हैं। ठीक है राया की स्नैप आई थी अकेले के लिए गए, ठीक है मर्सी वाली बात है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं ब्रो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, अकेले अकेले घूम रहे हैं आजकल मार्केट में फुल टाइम में है, कोई नहीं ब्रो। अभी जो है हम गाड़ियां से निकालने, चलो अंकल जी लंग जो। ठीक है अब हम यहां से गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं घर की तरफ। बस दुआ यही होती है मेरी कि वार्डन ना कोई मिले, बड़ा टाइम ज़ाया करते हैं भाई, सॉरी टू से अगर आप कोई देख रहे हो उनमें से भाई, जो बात है ठीक है बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बिला वजह का। और जब हम कहते हैं कि भाई ये पैसे पकड़ो और खुद ऑनलाइन पे कर दें आप अपने पास, या तो फिर रखें, अब हम वो जैस कैश पहले ढूंढने हैं हमारी चीज़ रख लेते हैं, अगर आपके पास आईडी कार्ड है वो रख लेंगे, आपके पास मोबाइल है वो रख लेंगे, भाई ये कोई तमीज़ है? काम करना तो प्रॉपर करो, आपके पास मशीन होनी चाहिए या तो फिर वहीं पर काटा वहीं पर पैसे दिए ईजी, नहीं तो फिर बाकी लोग तो दूसरे हल भी निकाल लेते हैं, फिर आपको तो पता ही है, फिर बात बात कर लो ये अंकल से, चाचू से बात कर लो, मामू से बात कर लो, भाई से बात कर लो, ये तो फिर हो ही जाता है, लोग कर लेते हैं इस तरह भी। लेकिन हम भैया का चलान करना है हम, क्योंकि मैं तो आज तक जितने भी चलान हुए हैं मैं 3-4 चलान हुए हैं अभी तक जब से मैंने गाड़ी चलाई, वो मैंने सारे पे किए हैं, लेकिन टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं यार ये लोग, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा जब मैं छोटा था तब मेरे इतने चलान नहीं हुए जितना मैं बड़े होके मेरे चलान होने लग गए हुए। ठीक है तो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं आगे का क्या सीन है। बेल्ट ज़रा मैं लगा लूँ इन मछलियों से बचने के लिए, ठीक है
और कोई आज बड़ी मछली ना खड़ी हो वरना वो तो खा भी जाती है भाई। अच्छा जी बॉयज मैं इधर से क्यों नहीं गया, वो देख रहे हैं आप खड़े हैं भाई, ठीक है वो देखो जी जाल बिछा हुआ है मछलियों के लिए, हम मछलियाँ मुझे अब समझ आई है, हम मछलियाँ भाई, और इन्होंने यहाँ पे बिछाया हुआ तो जाल। अच्छा ये रोड भी सेम जगह पे जाएगी और आगे से जो मड़ेगी वो भी सेम जगह पे जाएगी, लेकिन लोग ज़्यादातर वहाँ से जाते हैं क्योंकि वो छोटा पड़ जाता है। ठीक है मैं जाऊँगा सुकून से यहाँ से और मुझे कोई रोक के फिर दिखाए, अब यहाँ पर कोई भी नहीं होता, यहाँ पर कोई भी नहीं होता, अक्सर उधर खड़े होते हैं पीछे। ठीक है ये देखो अब ये रोड पूरी क्लियर है, वो उधर उस साइड पे खड़े हुए हैं, हालांकि ये दोनों कनेक्ट हो रही हैं एंड पे आके, बंदा आगे से आ जाए सुकून से इनसे बच जाते भाई। ठीक है हालांकि मैंने बेल्ट लगाई भी है, नंबर प्लेट भी ओरिजिनल है, सब ओके है, बट उन्होंने समझ लेना जी मुझे बच्चा, और फिर वही बात आ जानी है कुछ ना कुछ इन्होंने निकाल देना कि भाई आपके शीशे टिंट क्यों है थोड़े से पिछले, वो फिर रोला। ठीक है गाड़ी बहुत आवाज करने लग गई हुई है, अब हम चलते हैं। बैक होम हाय रानी बेबी, तुम फिर से अपनी सही रूप रंग रूप में आ जाएंगी अब आप बेब वापस से, मुबारक हो आपको, आप जल्द वापस ठीक हो रही हैं और आपकी लुक बेहतर होने लगी है, फोटोशो भी आपने देखा था वीडियो थोड़ी सी खराब बन रही थी क्योंकि इस फेंडर की वजह से, ये जो आप देख रहे हैं ना निशान, इसकी वजह से थोड़ी सी वीडियोस भी ख़राब बन रही थी यार, बाकी गाड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह ये वरना हमारी, बस थोड़ा सा जो है लाइट का इशू आ चुका है, अगर आप लोगों ने नोट किया इस साइड पे यहाँ से थोड़ी सी डिम हो गई है, तो हल्का सा एक्सपोजर कम ना भी करो तभी आपको फील होगा कि यहाँ से डिम हो गई, एक्सपोजर कम करो तो ज़्यादा शो होता है। ठीक है क्योंकि वीडियोज़ अक्सर बनाते हुए थोड़ी सी मज़े की बनानी हो तो थोड़ा एक्सपोजर ऐसे करके ऐसे कर दो और लाइट ऑन कर दो, वीडियो बहुत कमाल की बनती है। ठीक है अभी इसको हम वापस ऐसे करते हैं, यार इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ब्रदर, क्या कर रहे हो, हेलो हाँ जी आपको कह रहा हूँ आपको जल्दी से करो। ठीक है आपके भाई का चैनल है नया है अभी, जल्दी से सपोर्ट करो हमको भी। ठीक है और बस चलें ऊपर चलते हैं। अच्छा जी बॉयज़ आपको मैंने अभी टोटल कॉस्ट भी सारी जो है बता दी है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बम्पर और फेंडर पे। ठीक है अब आप लोगों ने ना एक काम कर दो, अगर आपको अब देखना है कि पेंट होता कैसे है कब होगा और कितनी देर में होगा तो इस चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि जो अगला व्लॉग आप लोगों ने देखना है वो जब आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई हाँ भाई गाड़ी होने लगी है पेंट, उसका व्लॉग भी आप लोग जल्दी से फिर देख लेना। ठीक है जल्दी से इस व्लॉग को कर दो लाइक, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब मेरे चैनल को। ठीक है और मैं आपको बता दूं अगर आप लोगों ने अपनी कोई गाड़ी शाड़ी पेंट, अगर आप लोगों ने भी कोई गाड़ी शाड़ी अपनी पेंट करानी है फुल पेंट भी चाहे करानी है तो इनसे आप लोग करवा सकते हैं, पेंट जो होता है A1 होता है। ठीक है मेरी एक जो CFC इन्होंने तैयार की हुई है, भाई की जो CFC वो इन्होंने तैयार की हुई है और इतना प्यारा पेंट था, पर्ल्स फूट फूट के जो कहते हैं ना जी साहब फूट फूट के बाहर आ रहे होते वो सीन था। ठीक है तो अब जल्दी से कर दो इस व्लॉग को, जल्दी 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 लाइक कर दो यार, बस जल्दी लाइक करो। ठीक है मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।